का भारी हो जाएगा। दोस्तों दरअसल मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ मिमिक्री में, मैं बहुत पहले करता था, अभी बीच में कम से कम 5-6 सालों से नहीं कर रहा हूँ, मगर हमारे सर का अरमान है तो करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं एक शेर के साथ मेरी मिमिक्री का आगाज करूँगा कि मुस्कुराता रहे हर एक इंसान, ये दुआ हम खुदाया करते हैं। मुस्कुराता रहे हर एक इंसान, ये दुआ हम खुदाया करते हैं, और खुद को माइक पे जोकर बनाकर गम जदा को हंसाया करते हैं। सब में ज्यादा तालियों की आवाज यहां से आई है, तो इन लोगों के लिए भी एक शेर है कि हस्बैंड क्या रिएक्ट करता है ना, हस्बैंड क्या रिएक्ट करता है। तो हस्बैंड एक शेर है कि कभी रोटी के टुकड़ों में तो कभी दाल के प्याले में, कभी रोटी के टुकड़ों में तो कभी दाल के प्याले में, तेरी जुल्फ का दीदार होता है बेगम मेरे हर निवाले में। होता होगा अभी जिसकी शादी हो गई उसके साथ ऐसी होता है तो पहले तो जुल्फों की तारीफ होती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, कोई जोक सुख बनाए नहीं जाते, खुद ब खुद बन जाते हैं। कुछ जोक ऐसे रहते हैं खुद ब खुद बन जाते हैं, है ना, है ना। अभी जैसे कोई सो रहा है तो उसको जाके पूछते हो, उठा के, क्या बे सो रहा है क्या, वो नहीं, भांगड़ा डांस चालू हुआ तू भी कर। कोई लेडी चावल चुन रही है, उसको जाके बोलते, देख रही हो चावल चुन के, लेकिन बाजू वाली औरत आके गा आपा चावल चुन रहे हो का, बोले नहीं लोग पकने के बाद खाते हैं, मैं पकने से पहले खा रही हूँ, 2-4 दाना दाल पी लूँ। होता है अक्सर औरतें एक डायलॉग पे बहुत चिढ़ती है जब बाजू वाली औरत आगे पूछती है, क्या हुआ तुम्हारा पक गया क्या, राइट। मेरे लिए एक साथ 2000 तालियां बजा, ऐसा होता है ना, ये लोगों को जलन होती है। मैं इसलिए इतनी बातें कर रहा हूँ क्योंकि शो में मेरी वाइफ नहीं आई है। हाँ अरे यार, माइक और वाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसके सामने जितना चाहे बोल लो, उसके सामने नहीं बोल पाते तो जोक जैसे बन जाते हैं कि कोई सो रहा है उसको नहीं छोड़ते, ऐसे अगर मैया सो गई उसको नहीं छोड़ते, मैया सो गई उसको जाके पकड़ लेंगे, कहा भे कोई मर गवा का, बोले नहीं कोई नहीं मरा है, इसको लेट के घूमने का शौक है, हम लोग चारों को घुमाने का शौक है, अभी घुमा रहे मंडई की बत्ती दामन नागा पूरा घुमाएंगे। ऐसा होता है, हेलो, कभी कभी ऐसा होता है रिक्शा रिक्शा वाले आप देखे होंगे बहुत हैरान करते हैं, आप सड़क पारी कर रहे हैं, रिक्शा वाले बीच में लाके लगा देंगे, सामने वाला डर गया, बोले चलना है क्या मंडई, हैरान कर दो। आप टेंशन मत लो, मैं रिक्शा वालों को हैरान करने का एक फार्मूला देता हूँ, लेके जाइए फ्री में, मैं तो थैली लेके खड़ा हो जाता हूँ जबरदस्ती रोड के किनारे, ऐसे रिक्शा वाले को खुद ही हाथ देता हूँ, भाई मंडई जाएगा क्या, हाँ जाऊँगा ना तो जाना, जा मेरे को रोड पार करने का। ऐसा होता है, ऐसे एक बार रिक्शा में बैठा, जैसे ही बैठा रिक्शा वाला रिक्शा स्टार्ट किया, मैंने देखा रिक्शा की कांच में से कुछ नहीं दिख रहा, मैं डर गया, मैं बाहर देखा बारिश भी नहीं, मौसम भी साफ है, मैं बोला अबे यार आहिस्ता चला, कांच पे कपड़ा उपड़ा मार कुछ हो जाएगा तो, अरे तुम चुप बैठो ना मेरे को दिखता है ना, मतलब अबे यार साफ करना यार, अभी भी शादी हुई है कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, बोले नहीं यार तुम चुप बैठो ना मेरे को दिखता है ना, मैंने बोला एक बात बता तेरे को कैसे दिखता है, अरे वो क्या है ना पहले मेरा नंबर वाला चश्मा था, बार बार घूमता था बार बार घूमता था, अब टेंशन नहीं है पूरा कांच नंबर वाला हो गया। हेलो हेलो, हाँ नियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ नियाज भाई थैंक यू, बैक स्ट्रेट